नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। अगर देश में कोरोना वायरस के इतनी तेजी से फैलने की वजह किसी को माना जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जमाती लोगों को। इसके साथ ही जिस तरह से दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद गुम हुए, उसने काफी सवाल खड़े कर दिए। मगर इस बीच मौलाना साद ने अपने वकील के माध्यम से दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वह पुलिस की पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरकज की इमारत में किसी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं हुई। जब मौलाना से पूछा गया कि क्या यह सही है कि आपने बिना अनुमति के इज्तिमा का आयोजन किया, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि निजामुद्दीन मरकज में आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम और सामान्य गतिविधियों वाले इज्तिमा में कंफ्यूज ना हो। इज्तिमा आम तौर पर एक बड़ी मंडली है जो खुले सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाती है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति ली जाती है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या यह सही है कि आप पुलिस की जांच में मदद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से गलत है। हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि अधिकारियों के साथ हर तरह से सहयोग करना जरूरी है। यह हमारा 100 वर्षों का इतिहास रहा है। यह सवाल से परे है कि जांच अधिकारियों का कोई समर्थन नहीं किया जाएगा। अब तक हमें दिल्ली पुलिस से जो भी नोटिस मिले हैं उनका विधिवत जवाब दिया गया है। इसके अलावा मौलाना से यह भी पूछा गया कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप क्यों हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक मैं सेल्फ क्वारंटाइन था और पुलिस इस तथ्य को जानती है और उसे मेरे ठिकाने के बारे में भी पता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया के विशेषज्ञ नहीं हैं, इसीलिए उनकी बातें बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सकती। मगर उन्होंने तुरंत तबलीगी के सदस्यों को संबोधित किया कि वो जहां कहीं भी हैं आगे आएं और कोरोना वायरस को ख़त्म करने के उपायों में अधिकारियों का सहयोग करें, चाहे वह क्वारंटाइन हो, आइसोलेशन हो या जाँच। फिलहाल मौलाना चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह से इस माहौल में उन्होंने इतने लोगों को एक जगह जमा करके रखा, उसने देश में कोरोना संकट को बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। धन्यवाद।